सर, कमाल धमाल मालामाल, बताइए इसके बारे में। जब प्रिया ने नाना को साथ में लाया तो ऐसा लगा कि कमाल हो गया, जब शूटिंग खत्म होगी तो ऐसा लगा धमाल हो गया, और ये आशा है कि फ्राइडे के बाद हम लोग मालामाल भी हो जाए। वहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और ये फिल्म बनी। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है। प्रियन की हमारे 5वीं फिल्म है हमारे साथ, और जो नाना के साथ रिश्ता बना वो बहुत ही यूनिक है। कभी नहीं सोचा था कि नाना की जो ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी है और ऑफ स्क्रीन, उसमें इतना अंतर होगा। सर, पहले जो मालामाल आई थी उस मालामाल में इस मालामाल में मतलब नहीं, पहले तो ये फिल्म सीक्वल नहीं है मालामाल वीकली की, बहुत ज़्यादा अंतर है। वो एक बहुत ही आउट एंड आउट कॉमेडी थी, और ये एक फिल्म एक ड्रामा है। इसमें सस्पेंस है, ड्रामा है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, इंटेंस एक्टिंग है और कॉमेडी भी है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि इस किस्म की फिल्में मिड-90s में बनती थी, और कोशिश ये थी कि हम एक ट्रू फैमिली एंटरटेनर लेके आएँ, जहाँ की पूरा परिवार, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब साथ में एक फिल्म देख सकें। और जो रीसेंट दौर हमने देखा है ग्लैमर का, बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, तो परिवार साथ में फिल्म नहीं देख सकता। तो कमाल धमाल माल कॉमेडी भी है, थ्रिलर भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, और ये कोशिश है कि पूरा परिवार इस फिल्म को एंजॉय करे। शुक्रिया।